दरगाह, ये दरगाह के सामने जस्ट मोतीकटला के सामने एक होटल रेस्टोरेंट में आग लगी हुई थी। गैस सिलेंडर के अंदर 3 सिलेंडर थे, आग लगी हुई थी। मौके पे आके सिलेंडर बाहर निकाले, आग बुझाई है। अब्दुल रहमान करके है कोई, वो चलाता है होटल, उस होटल के अंदर थी। किसी तरह की कोई जनहानी वगैरह नहीं? जनहानी नहीं है, होटल में नुकसान है और होटल के सामान वगैरह इसमें है, जनहानी है। आपका नाम? मेरा नाम ब्रजकिशोर, अजमेर फायर ब्रिगेड। सर किस तरह की घटना हुई है और कोई जनहानी? आज मैं रात में मेरे जाते के साथ गश्त कर रहा था, तो बैकरी वाले गली के सामने जब मैं गश्त करता हुआ पहुंचा तो एकदम एक धमाकी की सी आवाज आई। तो बैकरी वाली गली में दौड़ करके मेरे स्टाफ के साथ गया तो वहां आग की एक दुकान के अंदर लपटें उठी थी, जिस पर मैंने तुरंत कंट्रोल रूम को फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई, वहां के और लोकल लोगों को साथ लेकर के वहाँ पानी का एक नल था, जिस पर नल से पानी वानी करके हमने आग पर काबू पा लिया। किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, ये अच्छी बात है। मुकाई की होटल थी जिसमें आग लगी? ये कोई एल नजीज नाम की कोई खाने की होटल है। कुछ ज्यादा नुकसान क्या आसपास जो टंकी के आसपास की किसी दूसरी दुकानों पर किसी तरह कोई नुकसान नहीं है? मैंने मेरे स्टाफ के साथ और वहाँ की लोकल जो पब्लिक थी उनके साथ उसी समय तुरंत ही आग पर काबू पा लिया था, क्योंकि हम उस समय वहीं पर गश्त कर मेरा जान कर, इसकी वजह से पूर्ण सतर्कता बरतने की वजह से किसी दूसरी दुकान या किसी अन्य तरह कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक सर।